हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है न्यू टॉपिक, वी कॉल इट सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके पहले हमने बात की थी बीमारियों के बारे में, जो एक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं, हमने उनके बारे में बात की थी। गॉट इट? अभी हमें स्टार्ट करना है हमारा न्यू टॉपिक दैट वी कॉल्ड एज सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसमें हम बात ये करेंगे कि जो मेल है या फिर फीमेल है, उनमें कौन से क्रोमोसोम्स रहते हैं जो सेक्स को डिसाइड करते हैं, मतलब वो फीमेल क्रिएट होगी या फिर वो मेल क्रिएट होगा। ओके, तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्टली इन्होंने ये कहा, द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स इज एस्टैब्लिश इज टर्म एज सेक्स डिटर्मिनेशन। द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स इज एस्टैब्लिश, मतलब जिस तरीके से, जिस मैकेनिज्म से सेक्स जो है वो एस्टैब्लिश होता है, मतलब एक तो सन बनेगा या डॉटर बनेगी, ठीक है ना, उस मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। गॉट इट? ओके। द टर्म सेक्स रेफर्स टू द सेक्चुअल फिनोटाइप। सेक्स का मतलब है सेक्चुअल फिनोटाइप, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, दैट इज मेल एंड फीमेल। ओके। इन सम स्पेसीज बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, सो डिस्क्राइब एज बायसेक्चुअल और हर्माफ्रोडाइट और मोनोइशियस। ऐसे कुछ स्पेसीज होते हैं जिनमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही स्पेसीज के अंदर रहते हैं, सेम स्पेसीज के अंदर रहते हैं, उनको हम कहते हैं बायसेक्चुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोइशियस। जैसे हमने फ्लावर के बारे में जाना था, फ्लावर्स के बारे में हमने कहा था बायसेक्चुअल फ्लावर, मतलब मेल फीमेल कैरेक्टर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। इस तरह कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो बायसेक्चुअल रहते हैं। गॉट इट? ओके। ऑन द अदर हैंड, सम स्पेसीज इन विच द ऑर्गेनिज्म हैज़ आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज सेड टू बी डायोशियस और यूनिसेक्चुअल। एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स इज अ डायोशियस। गॉट इट? फीमेल्स आर डिफरेंट, मेल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो है बायसेक्चुअल वर्सेस यूनिसेक्चुअल। बायसेक्चुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, मोनोशियस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन को याद रखिएगा कि डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं वो। गॉट इट? नेक्स्ट। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द ह्यूमन बींग्स। एज वी नो दैट द क्रोमोजोमल, बड़ा सिंपल है ये, मैं पहले आपको पढ़ के दिखाता हूँ। द क्रोमोजोमल मैकेनिज्म्स ऑफ डिटर्मिनेशन इज ह्यूमन बींग्स एक्स 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 वाई टाइप। हमारा जो टाइप है, एक्चुअली हमारा जो टाइप है वो है एक्स 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 वाई टाइप। विच टाइप? एक्स 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 वाई टाइप है हमारा ह्यूमन बींग्स का। एक्स एक्स फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल में होता है। इन द ह्यूमन बींग्स द न्यूक्लियस ऑफ ई सोमैटिक सेल 46 क्रोमोजोम, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। आउट ऑफ दिस 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ हमने? कि हमारे अंदर लगभग 22 पेयर जो होती है वो ऑटोसोम्स की होती है, और जो 1 पेयर होती है वो होती है सेक्स क्रोमोजोम्स की। गॉट इट? ओके। इन द ह्यूमन फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ एक्स एक्स इज अ होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम। ऑब्वियसली फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम होने की वजह से वो है होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम, वाइल द मेल हैज़ एक्स वाई क्रोमोजोम, सो इट्स अ हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोजोम्स। तो ये होमो और हेट्रो हमें समझ में आया, तो मेल इज अ हेटेरोमॉर्फिक। नाउ जीनोटाइप इज द फीमेल जीनोटाइप इज द 44 ऑटोसोम्स है और पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है, ठीक है। एंड मेल में 44 ऑटोसोम्स है, एक्स वाई क्रोमोजोम्स है। तो 44 ऑटोसोम्स, 44, ये 45 और ये 46, ऐसा है ये, ठीक है, समझ में आया आपको? इधर भी 44 ऑटोसोम्स, एक है 45 एक है 46, ये 45 ये 46, ऐसा। ओके। ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन इन द मेल द डिप्लॉयड जर्म सेल इन द टेस्टिस अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म। या 50% स्पर्म कंटेन 22 ऑटोसोम्स
एंड एक्स क्रोमोसोम्स, समझिए इस बात को। ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन के वक्त, गमेट फॉर्मेशन के वक्त इन मेल में ऑब्वियसली वहाँ पे एक डिप्लॉइड जर्म सेल होगा, इट्स टॉइसियन, टॉइसियन इट्स अ डिप्लॉइड जर्म सेल है ये, इट्स अ डिप्लॉइड जर्म सेल। इसमें लगभग 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब 23 पेयर हैं, है ना। जब इसका होता है स्पर्मेटोजेनेसिस तो वहाँ पे दो सेल बनेंगे, तो अल्टीमेटली वहाँ पे तो एक्चुअली मियोसिस के वक्त आपको पता है चार सेल बनते हैं गमिट फॉर्मेशन के वक्त। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ स्पर्म बनेंगे, कहने का मतलब है दो तरह के स्पर्म बनेंगे। आपको पता है यहाँ पे हुआ था मियोसिस वन मियोसिस टू, याद आया ना, यस। तो हम लिख कम्बाइनली हम लिखते हैं मियोसिस हुआ था तो स्पर्म बने थे, ये भी एक स्पर्म बना है, ये भी एक स्पर्म बना है। और इस स्पर्म में इस तरह का रहेगा, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिया 23 पेयर कहा हमने, तो इसमें 22 प्लस एक्स, ये आ गया एक स्पर्म के अंदर, 22 वाई ये दूसरे के अंदर, मतलब दो तरह के स्पर्म बनते हैं, एक्स से एक वाई से आता है। समझ में आया ना आपको क्या हो गया? तो ये ओके, क्योंकि अगर हमने इसे यहाँ पे ऐसे लिखा 23 पेयर है ना, 23 पेयर अगर है तो अल्टीमेटली वहाँ पे 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा, यहाँ पर भी 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक वाई क्रोमोसोम्स होगा, इस तरह होगा ये, ठीक है। तो दो तरह के स्पर्म बनेंगे, एक में एक्स रहेगा दूसरे में वाई रहेगा, तो 50% स्पर्म बनेंगे जिसमें 22 ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम होगा, और 50% स्पर्म ऐसे बनेंगे जिसमें 22 ऑटोसोम और एक वाई क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है ओके। ये सिंपल है, इसे थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं हम। इन केस ऑफ द फीमेल यू नो दैट ओजेनेसिस वहाँ पे होगा एंड ओनली वन टाइप ऑफ द एग्स बनेगा जिसमें रहेगा 22 ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम, सिर्फ एक प्रकार का वहाँ पे एग्स बनेगा, ओके। तो वैसे देखा जाए तो ह्यूमन मेल जो है, ह्यूमन मेल इज़ अ हेट्रोगैमेटिक बिकॉज दो तरह के गमेट्स वहाँ बनते हैं, दो तरह के स्पर्म वहाँ बनते हैं एक्स एंड वाई, और फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है बिकॉज ओनली वन टाइप ऑफ एग्स वहाँ पे बनेगा, इसीलिए तो ओनली वन टाइप ऑफ गमेट बनेगा, ओनली वन टाइप ऑफ द एग्स बनेगा, इसलिए होमोगैमेटिक इन फीमेल। नाउ अब यहाँ पे इनका कहना क्या है, इफ द स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग ओवम देन डिप्लॉइड जायगोट इज फॉर्म देन ग्रो इनटू द मेल चाइल्ड, इनका सीधा ये कहना है ये एग्स है, ठीक है। नाउ दिस इज स्पर्म और ये स्पर्म में 22 ऑटोसोम तो है लेकिन इस स्पर्म में एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम है, ओके। तो अल्टीमेटली अगर स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है और यहाँ पर तो आपको पता ही है ये 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम तो एग्स रहेगा ही, यहाँ पर भी रहेगा 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा जायगोट, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम का यहाँ पे जायगोट बनेगा, तो वी कॉल इट डिप्लॉइड जायगोट, ठीक है समझ में आया। क्योंकि आपको पता है ये 23 क्रोमोसोम्स प्लस 23 क्रोमोसोम दैट इज अ 46 क्रोमोसोम, ये 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स मतलब ये 46 क्रोमोसोम कुल मिला के बन गए, गॉट इट, ठीक है। अगर ये इस तरह हो गया तो यहाँ पे एग्स 22 ऑटोसोम प्लस सॉरी एग्स है तो एक्स रहेगा और ये वो स्पर्म है जिसमें 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई क्रोमोसोम्स है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा जायगोट बनेगा, वो बनेगा सर 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, तो अल्टीमेटली ये कौन सा जायगोट बनेगा, ये बनेगा एज अ मेल चाइल्ड, इट्स अ मेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है ओके। दिस इंडिकेट दैट द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्पर्म फर्टिलाइजिंग द एग एंड हेंस द फादर इज रिस्पॉन्सिबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट द मदर, इसे फादर रिस्पॉन्सिबल है नॉट द मदर, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज वुमन्स आर ऑफन ब्लेम फॉर गिविंग द बर्थ फीमेल चाइल्ड। हम एक्चुअली ब्लेम किसे करते हैं, हमारे समाज में ब्लेम किसको किया जाता है पता है आपको, फीमेल को, जो नहीं करना चाहिए। ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ के तो हमें इतनी अकल आ चुकी है कि मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, ठीक है।
अब यहाँ पे ये बात जो है, कोई भी एनिमल में जो हेटरो कंडीशन में जो होता है, हेटेरो कंडीशन में जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। अब ह्यूमन में हेटरो कौन है? ह्यूमन में हेटरो है मेल, बिकॉज टू टाइप्स ऑफ स्पर्म इज देयर, दैट्स वाई। ठीक है, यस। चलो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। ये ऑलरेडी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ था, ये हमने लास्ट टाइम ही बात की थी। ठीक है, तो भी इस टॉपिक को एक बार पढ़िए आप, अच्छे से समझिए। और इसके बाद जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स के बारे में, तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।